Mrs. Singh? Mrs. Singh? Mrs. Singh? क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? मेरी इन चीजों को किसने छुआ? नहीं तो? वो बच्चे यहाँ आए थे? नहीं तो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप उन्हें बचाने के लिए? हर समय बच्चों का नाम क्यों लगाते हो? और थोड़ा सा छू भी लिया तो क्या हुआ? बच्चे हैं ना? तुम सब चीजें अलमारी में बंद कर दो। ये तुम्हारे पुराने से जूते, टूटी हुई बोतल, ये सब अब फेंक दो ना। मिसेस सिंह, आप कभी मेरी इंसल्ट कर लीजिएगा, लेकिन मेरी इन चीजों की इंसल्ट नहीं कीजिएगा। आप एक फौजी के जज्बातों को नहीं समझ पाएंगी। ये कोई मामूली जूते नहीं है। दुश्मन के साथ लड़ते हुए 12 दिन और 12 रात लड़ाई के मैदान में इन जूतों ने मेरा साथ दिया है। और ये पानी की बोतल, इसके अंदर के 3 घूंट पानी से मैं 3 दिन तक जिंदा रहा हूं। और ये मेडल, ये कोई पुरस्कार नहीं है। इसे कान के साथ लगाकर सुनोगी तो मेरे दिल की धड़कन सुनाई देगी तुम्हें, एक फौजी के दिल की धड़कन। ये सब बातें कहने में अच्छी लगती है, सच्चाई तो ये है कि हमने अपना बेटा खो दिया है। खो दिया? तुम ऐसा क्यों सोचती हो कि खो दिया है? अगर हर माँ तुम्हारी तरह सोचने लगे तो इस देश की रक्षा कौन करेगा? फौजी कौन बनेगा? मिसेस सिंह, तुम तो उन खुश नसीब माओ में से हो जिन्होंने अपने लाल खोए नहीं है, देश के लिए कुर्बान किए हैं। अपने देश के लिए मर जाना नसीब नहीं होता है। मेरे अगर और बेटे होते तो मैं उन्हें भी फौज में ही भेजता।